दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान हरमीत सिंह कालका अते दिल्ली कमेटी के मैंबर पटियाला विखे अदारा चढ़दी कला के दफ्तर पुजे जिथे उन्होंने अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने विशेष स्वागत किया अते अदारा चढ़दी कला के इतिहास तो जाणू करवाया। इस अदारे की शुरुआत दसम पातशाह की बख्शिश नाल हुई कि संतां नूं दर्शन होए दसम पातशाह दे और दर्शनों तो बाद साडे घर आए। मेरे बजुर्गों की उम्र 127 साल लिखी है जिस दिन वो साढ़े घर आए हैं। उन्होंने सब तो पहला तो दीवान लगाए और दीवाना च उन्होंने कहा कि सारे भाई अमृत छको और उन्होंने एक बार कहा तो सारे सिखा ने उन्होंने एक बार कहते अमृत छकिया। हिंदू भी बड़ी वीडी गिनती में रोज़ दीवाने जाते थे। उन्होंने हिंदुओं ने भी कहा दैट वॉज द जुगत दसम पातशाह संत जी महाराज रब का रूप सारे पता है कि बिल्कुल ही रब का रूप ने। वो कहते इन्होंने ना कि करिए इदा नहीं कर सकते वट शुड वी डू। वो साढ़े घर आए बंदे सारे हिंदू हज़ारा की गिनती में उन्होंने कहा बाबा सब तो वीडी उम्र के 127 साल के बापू जी ने इन्हों पुछद भी की कहें। उन्होंने कहा जी बापू जी साढ़े को अमृत नहीं छकन होता असी नाम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बापू जी ने कहा तुम कल आओ सारे। अगले दिन सारा शहर इकट्ठा हो गया और वो सारे हिंदू जिन्हें से बापू जी ने उन्होंने गीता सुनाई और तुम यकीन कर लो कि गीता सुन के सारे हिंदू सिख आए। 14 लाख हिंदुओं की गिनती है जिन्होंने अमृत छकया। ये मूवमेंट साढ़े घरों शुरू हुई उस नानक चंद ने भी साढ़े को ही अमृत छकया। वो नानक चंद कौन से? वो नानक चंद बनया पंथ रतन श्री मान मास्टर दारा सिंह। उन्हें साढ़े को अमृत छकया हिंदू से। उसने श्रोमणी कमेटी बनाई श्रोमणी अकाली दल बनाया वह प्रधान बनाया अद्धी सदी पंथ की सेवा की। श्रोमणी अकाली दल की कायमी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कायमी ये सारी बुनियाद दसम पातशाह ने कृपा करके साढ़े घरों रखवाई है।